हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स किचन। आज हम बनाएंगे एकदम क्विक एंड इजी एंड बच्चों की एकदम फेवरेट रेसिपी इटालियन ब्रुशेटो। शुरू करते हैं हम इटालियन ब्रुशेटा बनाना। तो उसके लिए मैंने ये 2-3 टेबलस्पून जितने टोमेटो लिए हैं, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप अनियन, 2-3 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न एंड 2-3 टेबलस्पून फाइनली चॉप कैप्सिकम। इसमें हम सब मसाले करेंगे। तो पहले हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जितना ओरिगानो, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स एंड 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट पसंद है तो आप वो डाल सकते हो। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिज्जा एंड पास्ता सॉस, तो इससे इसकी फ्लेवर और बाइंडिंग बहुत ही अच्छे आएंगे। एंड 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हम इस पे ये पनीर है, पनीर को हम ग्रेट करेंगे। मैंने ऐसा एक टुकड़ा पनीर का लिया है, तो ग्रेट करके हम जब इसे डालेंगे तो बाइंडिंग अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी वेजिटेबल्स एंड पनीर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये एकदम इजी एंड फटाफट होने वाला नाश्ता भी है और बच्चों को बहुत भी प्रिय है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो ये हमारा ब्रुशेटा का स्टफिंग रेडी है। आप चाहो तो आधा चीज एंड आधा पनीर भी डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा हेल्दी वे में जा रही हूँ इसीलिए मैंने सिर्फ पनीर डाला है। ये मैंने एक लोफ लिया है, ये बाहर से मार्केट में से लिया है, पर अगर आप चाहो तो ये घर पे भी बना सकते हो। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ। तो इसे हम ऐसे स्लाइस कर देंगे। आप देख सकते हो आपको जितनी थिकनेस चाहिए वैसे आप इसे स्लाइस कर सकते हो। तो हमारा स्टफिंग भी रेडी है एंड ब्रेड भी रेडी है, तो अब हम इसे असेंबल करेंगे। ब्रुशेटा को असेंबल करने से पहले हम ऐसे ब्रेड को एक बार शेक लेंगे एक साइड से, ताकि वो क्रिस्पी अच्छे से हो। तो एक साइड से हम ऐसे बटर लगा के उसे पैन में रख देंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए होने देंगे। हम चेक कर ले तो आप देख सकते हो एक साइड से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम ब्रुशेटा असेंबल करते हैं। तो मैंने जहां पे हमने क्रिस्पी किया था उस पार्ट पे मैं थोड़ा और बटर लगा रही हूं। अगर आप चाहो तो आप प्लेन मेयोनीज भी लगा सकते हो, बच्चों को वो बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं आज दोनों तरह से बनाने वाली हूं। और अगर आपको ऐसे प्लेन ही रखना है, क्योंकि हमने इस साइड भी बटर तो लगाया था इसीलिए आपको ऐसे ही रखना है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने स्टफिंग बनाया था वो हम स्टफिंग थोड़ा ऊपर ऐसे रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे चीज ग्रेट कर देंगे। तो चीज तो आपको जितना पसंद हो आप ग्रेट कर सकते हो। ये मैंने प्रोसेस चीज लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा मोज़रेला चीज भी डालूंगी। मोज़रेला चीज जो डाइस क्यूब कट में आता है वो भी आप ले सकते हो। मेरे पास ऐसे ब्लॉक में है तो ये मैं ब्लॉक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पैन में हम थोड़ा बटर डालेंगे और ये जो हमने ब्रुशेटा रेडी किया है वो हम ऐसे रख देंगे। तो ये बच्चों की एकदम फेवरेट रेसिपी है, थोड़ी डिफरेंट एंड क्विक एंड ईजी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक होने देंगे।
तो आप देख सकते हो चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और देखने में एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। तो आज की हमारी रेसिपी रेडी है। इस पे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड ओरेगानो लगा देंगे ताकि ये लुक में भी अच्छा लगे और टेस्ट में भी अच्छा लगे। तो तैयार है एकदम इजी रेसिपी इटालियन ब्रुशेटो। एंजॉय।